नाजरीन प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज में मैं आवां जो मेजबान शकील सूमरो। असेंबलियों कदें टुटंदियों, आइनी मुद्दों जो है वो अगस्त में पूरो थियण वञे पियो। शहबाज शरीफ वजीर अजम जो चवण है त आइनी मुद्दों पूरो थियण खां अग में ही निगरान सेटअप जो है वो अची वेंदो। निगरान सेटअप के हवाले से जोड़जक के हवाले से दुबई में जो डायलॉग थे उनमें जरिए जो चवण है त उनमें हतमी तौर से बिन्हीं पार्टियों यानी मुस्लिम लीग नून ए पीपल्स पार्टी में इतफाक न थी सको है। उनका बाद में मुशावरत जो सिलसिलो जो है वो जारी है। इतलात वाले वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब जो चवण है त कौमी असेंबली टोड़ण के हवाले से हतमी तारीख जो अजा तक को फैसलो न थो है। उनका सवाए मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स आज खास तौर से कोलिशन पार्टनर्स उन्होंने मुशावरत जो अमल जारी है। इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर थी या 60 दिन के अंदर इन हवाले से भी को अजा तक हतमी फैसलो न थी सको है। उनका सवाए जो आम चूंडू आन वो पुरानी आदमशुमारी यानी 2017 तहत थन्द या नई डिजिटल आदमशुमारी इन हवाले से भी सीसीआई जो इजलास जो है वो तलब किया वो है। नई पार्टी जो कयाम अमल में आंदो वो है। जहांगीर तरीन का परवेज खटक बे तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री नाले नई पार्टी जो है वह जोड़े वरती है जैमें केपी के जो अगूणो वो वजीर महमूद खान जो वो भी शामिल है। निगरान सेटअप के हवाले से या इंदड़ आम चूंड के हवाले से कड़ो मंजरनामो भी जो कि प्रोग्राम में इन हवाले से असेंगे गालण के लिए जै पैनल ज्वाइन किया है उनमें सीनियर सियासतदान सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा पान पीपल्स पार्टी जहा अगवान आन प्रोग्राम में असेंगे ज्वाइन किया है। स्काइप से सीनियर साहब या सीनियर तजी निगार मंजूर शेख साहब भी असेंगे टेलीफोन लाइन से ज्वाइन किया है। बिन्हीं मेहमान के भलीकार चाहूँ था शुरू क्यों था डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब किए ऐसो था असेंबलियों जो आइनी मुद्दों निगरान सेटअप दुबई डायलॉग गालियों ये हैं तो अजा तक के हतमी कें गाल इतफाक न थी सको है। कि वो था 8 अगस्त की तारीख जो है पीपल्स पार्टी तरफा वरती पी वे 8 अगस्त सिंध असेंबली के टोड़ो वो या कौमी असेंबली। कौमी असेंबली लाए इतलात वे वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब जो चवण है तो अजा तक उनमें हतमी को फैसलो न थो। इतला 8 तारीख से असेंबली डिजॉल्व थी 90 डेज में इलेक्शन थी। साहब जो यो स्टांस है उन बयान भी वो मुस्लिम लीग वालों भी तकरीबन रात थी गया हुआ। अज जी टीवी चैनल्स से गलू हलन पन हिसाब से तो असेंबली वन पो 8 तारीख से मन नवंबर में इलेक्शन थी। यो बिन्हीं पार्टीज जो पीटीएम जो है इलेक्शंस कें भी हालत में 60 या 90 दिन में थी। दुबई में भी तकरीबन यही फैसला थिया हुआ कंटिन्यूटी है तो पीडीएम भी यही चाहे थी इलेक्शन सा अगर देर थी तो वो डेमोक्रेसी पार्लियामेंट इन सभी के लॉस थो नुकसान थो यो सिचुएशन। मंजूर साहब अवां कि ऐसो था असेंबलियों जो आइनी मुद्दो जो वजीर अजम शहबाज शरीफ जो चवण है त आइनी मुद्दो पूरो थियण का अग में जो असेंबली टोड़ी वेंदी अवां वट केड़ा इतलात आन पीपल्स पार्टी के हवाले से चवण है त 8 अगस्त अज मरियम औरंगजेब जो इतलात वारी वफाकी वजीर है उनको चवण है त कौमी असेंबली टोड़ण बाबत अजा तक को हतमी फैसलो न थो। ये जो दुबई में डायलॉग थो चाहे उतने मामला अजा तक सैटल न थी सकिया इतफाक न थी सको है। अवां कि ऐसो था स्टेक होल्डर जो कोलिशन पार्टनर उनमें किथे को इख्तिलाफ है या अवां समझो था मामला जो उ इतफाक से 8 अगस्त से मामलो तय थी चुको है। इशू है बिन्हीं कोलिशन पार्टनर मेन इन वक्त पार्टियों हैं मुस्लिम लीग नून है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके विच में भी इशूज आन मुस्तकबिल जहाँ इशूज आ जदी यह खबर हली तो 8 तारीख से जो वो असेंबली तहलील कर जो जो वो उन इतफाक थो उन कंसेंसस तो उन मरियम औरंगजेब वाली जी तरदीद आल के साबित थी करे जगह ही असो तो नजर इन इन मतलब आना शन उ डिसाइडेड ना दुबई में जो सेशन थे कंटिन्यूसली
उन में भी जरिए के हवाले से उ खबरू पे हल्दी रू आन उनमें आउं समझा तो इम्पोर्टेंट गाल है त बिनी पार्टिन जा कुछ गडियल मफाद बिनी पार्टिन जा जारी गाल इंडिविजुअल मफाद भी है। मुस्लिम लीग नून के लिए इम्पोर्टेंट मफाद यो आ कंसिडरेबल किस्म की सीटू खटे जो एकड़ी वही इम्पोर्टेंट प्लेयर हुए खास तौर से उन्होंने जहन में यो है नवाज शरीफ वापस अचे नवाज शरीफ न सिर्फ वापस अचे बल्कि क्लियर थे करे केसन में क्लियर थी अचे मुल्क जो वजीर आजम भी थे इं उत ख्वाहिश जी मौजूद है उनके लिए जारी गाल यो जरूरी आ तो मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान खास तौर से उनको जो बेस है पंजाब उनमें हालतू साजगार घुर्जन हालतू साजगार घुर्जन के लिए यो जरूरी आ तो इमरान खान जो उनके तक वो मुख्तलिफ़ स्टेट्स का फिलहाल न उनके को का मीडिया से का एक्सेस है या बी का इन टाइप का शय आ जो उनको जो स्टैंड पॉइंट जो सामू अचे पर जो चंगे नमूने से उन नमूने से साइड लाइन न थो एटा शक शुबा जो है मुस्लिम लीग नून में मुझे ख्याल आते ये मौजूद है तो कें इतने न थे तो वो अना तफा कंप्लीटली मंदिर का गायब न हो को अचानक का अड़ी का शे थी सके तो उसे शूं उन्होंने यो जरूरी आको फौजी अदालतों वो जो सिलसिलो वो जो वो इंश्योर रहे उनके यकीनी बनाए जे पर हर यो सिलसिलो जो दिठो तो यो सिलसिलो जो हर है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जो इस्तदा कई सुप्रीम कोर्ट के सरकार बल्कि इस्तदा कई रिक्वेस्ट कई तो यो मामलो तो फुल कोर्ट के तरफ वी वो फुल कोर्ट जो यो केस बुझे सुप्रीम कोर्ट उनके उन दरख्वास्त के रद्द किया हाँ तुसो था तो कुछ शूं अना तुराने स्ट्रक्चर जो जो मौजूद है तो ते कर मुस्लिम लीग नून जो यो ख्याल है तो यह शे जी जिस तीन सफा क्लियर थे यो यो इवाम जो यो क्लियर थे तेस तीन जो वो इलेक्शंस में उन कॉन्फिडेंस जो उनका वही सको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लार्जली काफ़ी बचल है घड़ी तनकीद का मेन स्ट्रीम में होजन के बावजूद भी अड़े पोजिशन से ना है जो पीपल्स पार्टी के को हर भर भी प्रॉब्लम हुए नचो हो पीपल्स पार्टी इन सजो जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी की भंजरा है टुकड़ा है उन फायदे वठन की कोशिश में होंगी इं सी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूट करे थी इन करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यो है तो जैसे अच्छी तारीख से असेंबली जैसे तहवील तहलील थन थी तो दारी गाल 12 अगस्त का पेरे पेड़े भी दिन से असेंबली खत्म थी तो उन मतलब आ इलेक्शन जी वह 90 दिन में थियणी आो सो सिलसिलो जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूट करे तो हाँ जेस तीन ये शूं क्लियर थियन समझा तो ईदड़ चंद दिन में क्लियर थन घुर्जन थी वो पर इन सा गोगर इं शो वो बिल्कुल न विसार अज पिशावर में जो टेररिस्ट अटैक थो उन पेरियो सजो सिलसिलो आ पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो उन तमाम घड़ी खतरनाक किस्म की सूरत जी वह अख्तियार कई इन फैक्टर के तुम बिल्कुल भी जो नजरअंदाज को सको हाँ यो सजी असि रीजनल सूरत असाजे पॉलिसन के पसमंदर में इन शी सोता सागे वक्त पीटीआई इन वक्त मंदिर त गायब है उन पसमंदर में भी ऐसी सो तो आज समझा तो सूरत जी एडी चिट्टी ना है इवन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो तुम तो वजीर आजम जो वो कर चुको ऐलान तो भाई जो ही जो मुद्दे का पे अगस्त में जो असेंबली वी तो आज हम समझा तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के भी शू तय करणी हुई पर गड़ो गड अदालत में जो मामला वो भी वो इरिटेंट है जनरली मुल्क के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है उन सा भी यकीन को इंटरकोर्स जरूर आ।
डॉक्टर साहब अवां के की सूरत लगे थी अवां समझो था तो मामला जेके आन वो सेटल थी चुका है या किथे ना किथे अन्या शयूं जेके आन वे जेके आन वे सेटल न थी सकियो आन मंजूर साहब जेको पॉइंट आउट कियो तो खास तौर ते जेको टेररिज्म वारी जेके इंसिडेंट थी रहा है असा ज़ोब में डिठो इन खां अग में मीरा शाह में ताज़ो वरी पिशावर में जेको थियो आहे तो अवां समझो था तो ही जो निगरान सेटअप आए उनमें IMF वर्ल्ड बैंक की केतरी मुदाखलत है TTP के हवाले से मामला जो किथे पौता अमेरिका के तरफा जो पाकिस्तान की डिमांड है अज उन सपोर्ट कई वही है अमेरिका पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत कई है तो ही जो टेररिज्म वो फैक्टर है इनके अवं क्या दिसो था टेररिज्म में जैसे दोहा समझो तो थो हो तो उनमें यो हो तो अमेरिकन जमानत ही हुआ तो टेररिज्म को TTP तरफा या अफगान तालिबान तरफा हाँ जो सो अफगान तालिबान चली तो TTP अंडर में को फरतुल्ला बाबर साहब की भी स्टेटमेंट इन हिसाब से हली चुकी है तो हाँ मसलो यो है तो ही जो हालात जो डेवलप पा थीन बिल्कुल एकड़ी तो गाल क्लियर है पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन वक्त थीन डिले न थीन बाकी जो सो टेररिज्म जो थे पी हाँ वो टेररिज्म के नेचुरली आर्म फोर्सिस के या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के मुंह दियण है इतने सिंध में भी तालात दसो पाया अपर सिंध ज डिस्ट्रिक्ट्स उतने हालात के सुठा को अड़े नमूने पंजाब जो साउथ पंजाब जो डिस्ट्रिक्ट्स उतने भी हालात सुठा को हाँ ये सब चीजों ऑल ऑफ सडन सरफेस से अची वन एक पास बलोचिस्तान KP में टेररिज्म बिन सूबन में डेकोट्रीज फैक्टर हाँ ये सब चीजों ऑल ऑफ सडन सरफेस से थी वन इलेक्शन्स मथे आई तो हाँ खुदा कर चीजों नॉर्मलाइज थी नहीं IMF जो पैसा दिनी है उनमें वाजे तौर पर ही जो गवर्नमेंट के उन 1 billion दिनो है वो वरी केयरटेकर के 1 billion दिनो है 1 billion कमिंग जो भी सरकार होंगी उनके दिनो है वो डीमार्केट तो अगे ही वर्ल्ड बैंक ये जो IMF कर चुकी है IMF में तो वेस्ट के पैसा वेस्ट अमेरिका के पैसा सो हाँ ऐसू हालात थी इंटरनेशनल खिते हालात पंज जाए थे अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया यूक्रेन वॉर बी चीजू आन चाइना से भी असि तमाम सुठी दोस्ती है अरब कंट्रीज हिं तो बेल आउट अस UAE वाले सऊदीज कन पे हाँ अगत हालात बीन सो अल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है जो अदालत जो इशू है अदालत के अंदर भी ब राय फौजी अदालत के सिलसिले में आऊँ नो समझा तो वो फैसलो दींदा लेट्स सी द थिंग्स वरी ही चीफ जस्टिस साहब रिटायर पो थे सप्टेंबर में नव चीफ जस्टिस अचे पो उनको पॉइंट ऑफ व्यू है फौजी अदालत के सिलसिले में तो हाँ ये सब चीजों के सो कसाद वाली कॉन्ट्रडक्शन वाली कन्फ्यूजन वाली हर जगह हर इधार बिल्कुल बिल्कुल सूरत है कन्फ्यूजन वाली है ईंदड़ सेटअप के हवाले से जाहिर है तो उनमें मेजर जो पार्टी हैं नून लीग ए पीपल्स पार्टी उनमें मुशावरत जो अमल भी जारी है ही जो टेररिज्म वो मामलो है उन टेररिज्म वे मामले जो न रुगो मौजूदा हुकूमत निगरान सेटअप बल्कि कमिंग जो सेटअप है उन भी एक वो चैलेंज वो हों इंटरनेशनल जो सूरत है वर्ल्ड बैंक है IMF के हवाले से उन भी तमाम बड़ी इंपॉर्टेंस है एक नंढो कमर्शियल इतने ब्रेक वूँ था ब्रेक का मामलों अस मंजूर शेख साहब का डॉक्टर साहब का ओपिनियन वो नंढो कमर्शियल ब्रेक वापसी से प्रोग्राम कंटिन्यू किया था
वेलकम बैक नाजरीन। मंजूर साहब, ईंदड़ जो सेटअप या निगरान सेटअप के हवाले से मुख्तलिफ़ थ्योरीज मार्केट में मौजूद आन तो ही जो निगरान सेटअप है उन प्रेशर है IMF जो वर्ल्ड बैंक जो उन्हें कंडीशन्स इम्प्लीमेंट कराणियों जो मुहिदो थो IMF से ईंदड़ निगरान सेटअप के हवाले से भी यो है जी आम यो इम्प्रेशन है पाकिस्तान के अंदर त प्री पोल जो निगोसिएशन थन उनका बाद में इलेक्शन थे थी अवं क्या समझो तो इन सूरताल में जका मुल्क के अंदर टेररिज्म वाली सूरताल है पोलिटिकली इंस्टेबिलिटी है इकोनॉमिकल मामला है तो तुम क्या समझो ईंदड़ कमिंग जो सेटअप है उनमें तसो था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी या नाला वरता वन पा एज ए प्राइम मिनिस्टर पर उनका पहरें जो ही निगोसिएशन थीणी आन उनमें वहाँ की सूरत हाल के दिसण में अचे पी शकील दिसो इन में एकड़ी गाल जेके आ वा तमाम चिट्ठी आ वा या है त IMF जेके वे जेके 3 अरब रुपयन जी जेका गाल थी आ उनमें 1 अरब जी डॉक्टर साहब चाहे तो 1 अरब जेको आ वो हिनन के एक जेको आ इंटरियम के उनका पो जेका नेक्स्ट गवर्नमेंट इंडी एक उनके मिल दो पो ये सब प्रोग्राम जेको आ उसके मूव कर दो अरे उनमें एकड़ी गाल तो चिट्ठी आ वा या है त IMF जो वो न सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के दिसे तो चंगे नमूने से क्यों बल्कि वो दिस भी इनके कर दारी गाल भी इंस्टिट्यूशन जो वो बैंक हुए या बो कोई इंस्टिट्यूशन हुए वो जैसे कें मुल्क के या कें क्लाइंट के पैसा दे तो उनकी उन क्लाइंट से उन सारी सिचुएशन पर नजर हो तो इन में तो बराया ही को सकन तो को IMF है IMF का पोया जो सारी कवत उनको पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन जी उनते नजर न हो यकीन नजर आए रही पर सागे वक्त यह शह भी न विसारण घुर्जे तो पाकिस्तान जो अंदाजो कर IMF वो प्रोग्राम जो वो रिवाइव कर पैकेज वरतो यो हथ कर पाकिस्तान के केतरा पापड़ पापड़ जो वेलना पाया अंदाजो होंद महीन तो सो इशू पाकिस्तान के अंदर नंबर वन इशू हो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवा से नंबर वन इशू हो पर हर जगह से पाकिस्तान डिफॉल्ट डिफॉल्ट न कंदो सजी एकड़ी गरी किस्म की ढी खतरनाक किस्म की सूरताल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुई तो हाँ जो हे इंटरियम गवर्नमेंट होंगी जहा उनमें इन शे जो ख्याल न सिर्फ रखो वो पर रखण घुर्जे आई एम श्योर तो रखो वो तो हि जहाँ इंटीरियम पीरियड आ जो उबूरी पीरियड आ तो प्रोग्राम जहाँ जो शर्त उबूरी हुकूमत है उन शर्तन से जो जारी रहे जहाँ हि हुकूमत फाइनेंशियल हवाले से जो सो रोड मैप छे वी निगरान हुकूमत के वो रोड मैप जो वो जारी रखो हाँ इनके लिए जारी गाल तू अड़ा घुर्जा जिनमें एतरी एबिलिटी होंगी है मुख्य या पक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में वो पार्टी हूँ इवन अपोजिशन जो पार्टी हैं बाकी जो बचा उनके पॉलिटिशियंस के यहाँ खबर हो जाए थी तो रिक्वायरमेंट है सो आ समझा तो हि जो फॉर्मेशन थी थी उन फॉर्मेशन में टे चार शी इम्पॉर्टेंट होंद उ इम्पॉर्टेंट ये होंद सिलेक्शन थी मानून की जिनते इतफाक उए मानू जेके उए टिन मेजर एंगल जी हवाले सा या टिन रुखन जी हवाले सा जेको आ उए काबिले कबूल हुंदा एकरो तो यो हुंदो तो उए मानू जेके ने जडे उने जे दौर में इलेक्शन थींदी हुंदी त जेके इलेक्शन समेत जेके इदारा हन उने जे लाइ काबिले कबूल भी हुजन पैलेस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जी उन भी काबिले कबूल हुजन उ सागा मानू जेके मुस्लिम लीग नून के ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट हुजन इवन पीपल्स पार्टी जी उन ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हुजन ये टे वा जो एस्पेक्ट्स हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज ब मेन पॉलिटिकल पार्टीज उन ऑब्जेक्टिव्स हैं उदा कर चाहन उ विद इन पाने लिमिट्स में दिसा तो हि मानू जो असाजे ऑब्जेक्टिव्स के भी पूरा कन था IMF जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं रोड मैप के जी अगत हलो आ टेन महीन के लिए उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हुजन पर सागे वक्त जी गाल रिपीट किया तो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जी
उनके लिए भी सारी गाल काबुल कबूल होजन घुर्जन न तो ये मामलो हलो को समझा तो ये जे मू जे भी हूँ ये टे रिक्वायरमेंट्स मेजर जरूर पूरी कर। डॉक्टर साहब अमां किए दिसो था जेके मंजूर जो चवण आए त जेका इंदर कमिंग सेटअप जे हवाले सा जेको सेटअप आए उन हवाले सा डिफरेंट उन शयूं बुधायूं त टे टिन फैक्टर्स जो उन जिक्र कयो अमां खे किए थो लॻे त हिकिड़ो त इंटेरियम सेटअप उहो हतमी तौर ते मामला सेटल थी सघिया आहिनि या अञा मुशावरत जो अमल जारी आहे कमिंग सेटअप कहिड़ो हूंदो या जेकॾहिं सूरत हाल किथे न किथे लॉ एंड ऑर्डर जे हवाले सां अञा वधीक में बिगाड़ पैदा थिए थो त छा इन ॻाल्हि जा इम्कान आहिनि ख़दशो मौजूदु आहे त इंटेरियम जेको सेटअप आहे उहो 90 ॾींहनि खां अॻिते वधी सघे थो साल ॾेढ ॿिनि सालनि ताईं उहो उनखे खणी वञी सघिजे थो या उहा सम्झो था त मामला जेके आहिनि इन हवाले सां सेटल थी चुका आहिनि। ॾिसो हिन वक़्तु शकील साईं मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ॿियूं जेके इतिहादी पार्टियूं आहिनि उहो त चाहींदो इलेक्शन थियनि कंहिं बि सूरत में हाणे ईरान इराक वॉर बि हली इलेक्शन त ईरान में थियूं पिए अहिड़े नमूने इलेक्शन्स त थियणु खपनि अगरि जेकॾहिं इहे चीज़ूं ॾिसो जेको आहे सो सिस्टम खे जॾहिं उहो प्राइम मिनिस्टर हो त तहस नहस करण जी पूरी कोशिशि कई आइन खे तहस नहस कयां ऐं हुन कयो ऐं हुन जा जेके अज़ाइम हुआ उहो बि सभिनी खे ख़बर आहिनि हिते ॻाल्हाइणु बेकार आहे हाणे इहे जेके चीज़ूं बिगड़ियूं आहिनि हुनखे बिगाड़ ठाहिण जे लाइ त इलेक्शन ज़रूरी आहे ऐं कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यूटी खे रखण जे लाइ जेकॾहिं इहे चीज़ूं अगरि नथियूं थियनि ऐं पोइ ख़ुदा न खां त दहशतगर्दी ॻाल्हि अचे ऐं ॿी का ॻाल्हि अचे चीज़ूं वधी वञनि पोइ त पंज अठ साल छुटो पोइ त माना उहो जेको सांप और सीढ़ी वारो जेको गेम हूंदी आहे त 99 ते पुॼी वरी 0 ते अॻे टे दफ़ा त करे चुका आहियूं न अयूब जे ख़िलाफ़ु स्ट्रगल हली आहे पोइ याया जे ख़िलाफ़ु हली आहे पोइ ज़ियार जे ख़िलाफ़ु पोइ मुशरफ जे ख़िलाफ़ु हाणे त सग कान रही आहे न सियासी पार्टीज़ में न सियासी माण्हुनि में न आवाम में त वरी जेको आहे सो शयूं हलनि हाणे बहितर आहे त इलेक्शन्स थियनि हीउ जेको आहे सो जेका गेम आहे चेल तोड़े छॾी आहे मुल्क जी असांजी बि टुटी आहे पर अॻिलनि जी बि टुटी पई आहे उहो बि एतिरा ताक़तवर कोन रहिया आहिनि ऐं आउं सम्झां थो त इलेक्शन वक़्तु थी न अगरि नथियूं थियनि पोइ त इलाही हादसा थी सघनि था इलेक्शन न थियण हादसा आहिनि पाकिस्तान जे लाइ इहे आर्ग्यूमेंट्स बेकार आहिनि त टेररिज़म थी वई IMF जी शर्तूं इहे पोइ बि थी सघनि थियूं थियनि पियूं जॾहिं IMF 3 billion में 1 billion हिननि खे ॾिनो आहे सिटिंग सेटअप खे 1 billion हुनखे ॾिनो आहे 1 billion हाणे केरु ॾींदो तव्हांखे ऐं अमेरिकन्स ऐं यूरोपियंस बि डेमोक्रेसी जी ॻाल्हि था कनि त मां कंहिं सूरत में यूरोपियन यूनियन जो वाज़े चिटो मौक़ो आहे पैसा सभु हुतां अचनि पिया चाइना वारा सपोर्ट कनि पिया ऐं अरेबियन कंट्रीज़ बि त डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूरोप ऐं अमेरिका जे पोयां आहिनि अगरि हुते का बग़ावतूं थींदियूं त केरु अमेरिकन्स अची बचाईंदा न ॿिया त केरु कोन ईंदा न हुनखे बचाइण जे लाइ हुनजी मिडल ईस्ट जी मुल्कनि जी ॻाल्हि पियो कयां बज़ाहिर त मूंखे नज़र अचे थो त इलेक्शन कंहिं सूरत में थियनि अगरि इहे डिबेट्स हलनि पियूं बिल्कुलु हलनि पियूं कला मां हिकिड़े प्रोग्राम में हुयुसि हिकिड़े तमामु हिकिड़ो मोतबर माण्हू नालो कोन थो वठां उहो सिंध जो हो उन चयो पर इलेक्शन कोन थींदा मूंखे इलेक्शन नज़र नथा अचनि हीअ ॻाल्हियूं हलनि पियूं पर तव्हां मुंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू या मुंहिंजी पार्टी जो वठंदो त असां चवंदासीं इलेक्शन थिए कंहिं बि सूरत में पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहिबु बिलावल साहिबु नवाज़ शरीफ़ साहिबु पी मुस्लिम लीग नून मौलाना साहिबु इहे सभु चाहींदा त इलेक्शन्स थियनि इनशाला थींदा डिबेट बिल्कुलु हलनि पियूं। मंज़ूर साहिबु हीअ जेका जोड़ तोड़ थिए पई असां KPK में ॾिसूं था परवेज़ खटक जेका नई पार्टी जो ऐलान कयो आहे उन मां इहो इम्प्रेशन अचे थो त इलेक्शन जेके डॉक्टर साहिब जो जीअं चवणु आहे त इलेक्शन पंहिंजे वक़्त ते थींदियूं जहांगीर तरीन पंजाब जे अंदरि ज़ाहिर आहे केतिरो इन्फ्लुएंस रखे थो हुनजी सीट एडजस्टमेंट कहिड़ी पार्टी सां थींदी उहो पंहिंजी जाइ ते पर KPK जे अंदरि जेको हीउ वॾो धड़ो आहे ग्रुप आहे जेको टुटो आहे
अवां समझो था यो केपीके जी जेका उतां जी सूबाई आहे, ज़ाहिर आहे उते नेशनल असेंबली जूं सीटूं बि आहिनि, उहो केतिरो इम्पेक्ट विझंदो इहो? जो अञा ताईं वोट बैंक या फॉलोइंग इंटेक आहे केपी में बि ऐं सेंट्रल पंजाब जे केंद्र हल्कनि में या सेंट्रल पंजाब में, अगरि हुननि खे पार्टिसिपेट कनि था त उहो सीनरियो ईअं थींदो जो 97 में पीपल्स पार्टी खे 18-20 सीटूं मिली हुयूं नेशनल असेंबली में बाय डिज़ाइन। अहिड़े नमूने 2002 में मुस्लिम लीग नून खे पंजाब में सॉरी नेशनल असेंबली में 20 सीटूं मिलियूं। त इहो ई पैटर्न मूंखे हिन इलेक्शन में, अगरि हिनखे 18-20 सीटूं ज़रूरु हिनखे ज़िंदा रखंदा ऐं हुनजी फॉलोइंग ऐं हुनजो इंफ्लुएंसिस जे करे, इहो मुंहिंजो पंहिंजो तज़ुर्बो आहे, ग़लति थी सघे थो। पंजाब जी डॉक्टर साहब छा पोज़ीशन बीहंदी साउथ ऐं सेंट्रल पंजाब जी? सेंट्रल पंजाब में जेको आहे सो ॾिसणो इहो आहे त इलेक्शन में पार्टिसिपेट केरु केरु थो करे। थी सघे थो त ही जेके इमरान खान वारा आहिनि इंडिपेंडेंस जी सपोर्ट कनि, अगरि या कंहिंसां पार्टिसिपेट करणु ॾियनि। चंगी तरीन में एतिरो दम न आहे जो सीटूं ओतिरी कढी सघे हुनजी, किन हल्कनि में थी सघे थो, पर इन जनरल फॉलोइंग त वरी इमरान खान जी आहे हिते बि ऐं केपी में बि। त हाणे चीज़ूं मैनेज की, परवेश कटक जो वोट बैंक कोन्हे। परवेश कटक त शेरपाव जो माण्हू हो ऐं शेरपाव हिकिड़े ज़माने में पीपल्स पार्टी जो हो। सो हाणे उहो चालाकियूं त हर वक़्तु कामयाबु कोन थींदियूं आहिनि, कंहिं हथ ई थींदियूं आहिनि। वज़ीर आला थी वियो आहे, केपी में हिकिड़ो वज़ीर आला थींदो वरी कोन थींदो आहे। ॼाणी खे पहुतो डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, मंज़ूर शेख साहब, तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अलावा